हमारे तरफ से होली के हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सभी बीजेपी परिवार को और अपने सभी देशवासियों, झारखंड वासियों और रांची वासियों सभी को महेश सोनी की तरफ से नमस्कार और हार्दिक शुभकामना होली का। रंगों के त्यौहार होली के शुभ अवसर पर विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र सहित देश के तमाम वासियों एवं राष्ट्रीय जनता दल के तमाम पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। ये होली का त्यौहार असत्य पर सत्य की विजय और अधर्म पर धर्म के विजय का प्रतीक है। हम सभी देशवासियों से अनुरोध करते हैं कि होली का त्यौहार बहुत ही सादगी एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। रंगों के त्यौहार होली की सभी झारखंड वासियों को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय नेताओं, कार्यकर्ताओं सभी को शुभकामनाएं। रंगों के त्यौहार होली के अवसर में मैं सभी झारखंड वासियों को ये बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि होली के रंगों के साथ ही खुशियों के साथ, एकता स्वभाव के साथ इसको मनाएं ताकि हमारा झारखंड प्रफुल्लित हो। जोहार, जय झारखंड। बीजेपी के मांडू से विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने के लिए जयप्रकाश भाई पटेल को हजारीबाग से कांग्रेस लोकसभा चुनाव में उतार रही है। जयप्रकाश भाई पटेल लंबे अरसे से लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रहे थे। ये मांडू के विधायक हैं जो बार बार लोकसभा चुनाव के पहले अपनी पार्टी बदलते हैं। हसरत है लोकसभा चुनाव लड़ने की। नाम है जयप्रकाश भाई पटेल। 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से टिकट नहीं दिए जाने पर जयप्रकाश भाई पटेल ने पार्टी से नाराज होकर बीजेपी का दामन थामा था। 2019 में रघुवर दास के प्रयास के कारण जयप्रकाश भाई पटेल बीजेपी में शामिल होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को परिवारवादी और न जाने क्या क्या संज्ञा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जयप्रकाश भाई पटेल ने एक बार फिर पलटी मारी है और उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस का हाथ का साथ मिलने के साथ ही उनके सुर बदलने लगे हैं। कल तक बीजेपी के लिए कस्में खाने और राम राज्य लाने का लगातार दावा करने वाले जयप्रकाश भाई पटेल अब पार्टी में अपने पिता के आदर्शों की दुहाई दे रहे हैं। आप भी सुनिए कि किस तरह से पिता के सहारे वो पार्टी बदलने को अपना सही करार दे रहे हैं। और हमारे पिता टेकलाल महतो, जो झारखंड आंदोलन के एक अग्रणी योद्धा थे, आज झारखंड की राजनीतिक पृष्ठभूमि को खोजा जाए, राजनीतिक चर्चाएं अगर चलेंगे झारखंड अलग राज के आंदोलन को, तो स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो शिबू सोरेन के बाद तीसरे ये में टेकलाल महतो जी का नाम था। और पूरे जो इलाके हैं उत्तरी छोटा नागपुर, चाहे कोल्हान का हो, सभी जगह टेकलाल बाबू का अपना प्रभाव था। और मुझे लगा कि टेकलाल बाबू के सपनों को, टेकलाल बाबू के जो सपने थे झारखंड को संवारने का, आगे बढ़ाने का, चूंकि अलग राज हमें मिल चुका था, तो मुझे लगा कि एनडीए गठबंधन में जाके झारखंड में कुछ हम लोग ऐसा करेंगे। लेकिन परिस्थिति ऐसा लगा उस जब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, तो हमारे जो पिता के जो सपने हैं, जो विचार है, मैं उस दल में नहीं पाया। जयप्रकाश भाई पटेल बीजेपी में काफ़ी हसरत लेकर आए थे, लेकिन रघुवर दास के झारखंड से दूर जाने के बाद उनकी हसरतें पूरी होती हुई दिखाई नहीं दी। जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा से उन्होंने दामन छोड़कर अब बीजेपी में और उसके बाद बीजेपी के बाद कांग्रेस में वो शामिल हो गए हैं, लोकसभा चुनाव लड़ने की उनकी हसरत किस तरह से पूरी होगी इसका जुगत वो लगातार लगाते रहते हैं। और यही कारण रहा कि 2019 में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ी और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा से छोड़कर बीजेपी में आकर अब 2024 में उन्होंने बीजेपी को ही छोड़ डाला। कमल खिलाने का दावा करने वाले जयप्रकाश भाई पटेल को अब हाथ का सहारा मिल गया है और वो हजारीबाग संसदीय सीट से अब चुनाव लड़ना चाहते हैं। हजारीबाग
संसदीय सीट से वो चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचना चाहते हैं। कारण साफ है, जयप्रकाश भाई पटेल के हसरत में है कि लोकसभा में जाकर उनका भाषण दिया जाना। बीजेपी में पहले उनको विधायक दल का नेता बनाया जाना था, सब कुछ तय हो चुका था, लेकिन इन वक्त पर कई नेताओं के पलटी मारने और लंगी मारने के कारण जयप्रकाश भाई पटेल विधायक दल के नेता बनते बनते रह गए। शायद यही उनको मन में कचोट गया और वो फिर से 2024 के चुनाव आते ही लोकसभा चुनाव लड़ने की हसरतें पालने लगे। कांग्रेस में हजारीबाग संसदीय सीट से कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा था और यही कारण है कि उनको उनकी हसरत जानकर निश्चित रूप से कांग्रेस ने हाथ बढ़ाया और उन्होंने कमल को छोड़कर कीचड़ से बाहर निकलकर अब वो लगातार हाथ का दामन थामकर पार्टी को मजबूत करने का भी दावा कर रहे हैं। अब ऐसे में जयप्रकाश भाई पटेल की हसरत हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से अगर पूरी होती है तो वो हजारीबाग से चुनाव लड़के बीजेपी को चुनौती देंगे। वहीं अगर हसरत नहीं पूरी होती है तो वो एक बार फिर लोकसभा जाने की हसरत में अगले 5 साल में क्या करेंगे ये जनता जनार्दन ही जानती होगी। सहयोगी नरेंद्र के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।